हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं आर्क सर्वाइवर की बॉल। तो फाइनली यार, जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोगों ने एक नया रैप्टर टीम किया था एंड उसके बाद हम लोगों ने हंटर केप को कंप्लीट किया एंड अभी अपने पास आर्टिफैक्ट ऑफ हंटर तो है, बट मेरा प्लान है अभी उसको हम लोग जाएंगे थोड़ा सा ट्रिब्यूट करने के लिए, क्योंकि अपने को इनसे मिलेगा स्मूथिंग बैम एंड एसेंडेंट के टूल्स। तो जैसे मैं यहाँ पर से निकल रहा था, मेरे को यहाँ पर एक सार्को दिखा जो कि 85 लेवल का था। हम लोग इसको पकड़ सकते थे, बट अभी मेरे पास ट्रैंकुलाइजर एरोज वगैरह नहीं है, तो अभी हम लोग इसको पकड़ेंगे नहीं। ऐसे करते हैं, फटाफट से यहाँ पर से निकलते हैं। जल्द से जल्द मेरे को यहाँ पर से पहुँचना है ग्रीन ऑब्सलिक्स। वैसे मैं रेड ऑब्सलिक्स भी जा सकता था, बट मैंने डिसाइड करा यार ग्रीन ऑब्सलिक्स अपने बेस के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो हम लोग ऐसे करते हैं यहाँ से जाते हैं ग्रीन ऑब्सलिक्स, वहाँ से निकल जाएंगे सीधा अपने बेस में। तो भाई वहाँ जाते जाते रात काफ़ी ज़्यादा हो चुका है एंड अपने को ग्रीन ऑब्सलिक्स भी दिखने लगा है, बट पीछे से दो रैप्टर भाग के भागना पड़ेगा। एक को पकड़ता हूँ, बट चलो ठीक है, दो रैप्टर है, एक को मैं मार दूंगा। बट यहाँ पे से ब्रायोनिक्स कहाँ से आया भाई? लगता है यहाँ पे गलत सीन होगा अपना। चलो एक को तो मैंने मारा, लगता है ऐसा करता हूँ भागता हूँ यहाँ पे से, बट ये आया दूसरा रैप्टर। अबे नहीं भाई, सही टाइम पे उतर गया मैं। पहले करता हूँ ब्रायोनिक्स को बजाता हूँ। ओके, कम लेवल का एक एरोज लगा, दूसरा एरोज में मरेगा। बट ये रैप्टर कहाँ से आया? 70 लेवल का था, ठीक है मैंने मार दिया। अभी ब्रायोनिक्स को मारना है भाई। जैसा तैसे करके हम लोग यहाँ पे बचे, मुझे नहीं पता कैसा बचा बट बच ही गया। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे बैठे अपने दोबारे से रैप्टर में एंड यहाँ पे से हम लोग निकले फिर से ग्रीन ऑब्सलिक्स के पास में। बट रात को यार दिखता नहीं है एंड पता नहीं कहाँ से नया रैप्टर आया और अपने को जो है ना मारने लगा। बट जैसे तैसे करके मैंने उसको ट्रैप किया, मैं मार रहा था, फिर एक और रैप्टर आ गया एंड उसने जो है ना यहाँ पे पूरा का पूरा मामला ही बिगड़ गया अपना। तीन रैप्टर्स हो गए, मैंने कहा तीन रैप्टर्स को मैं कैसे मारूं एंड यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मैं समझ गया था मामला अपना खत्म। बचना पॉसिबल ही नहीं है, गया। तो भाई मैं फटाफट से, मुझे पता था मेरा रैप्टर वहाँ पे तीन रैप्टर से फाइट कर रहा है, तो मुझे अपने रैप्टर्स को बचा रहे, तो मैंने फटाक से जो है ना स्पॉन होते ही अपने रैप्टर को रिक्वेस्ट करा, लेट्स सी देखते अपना रैप्टर यहाँ पे पहुँच पाता है या फिर मर जाएगा। बट यार अभी अपने को हाइड के आर्मर भी रिपेयर करने हैं एंड आज मेरा प्लान है मैं जो है ना एक फीमेल रैप्टर्स को टेम करूँगा जो कि काफ़ी हाई लेवल का होगा एंड अपने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है क्योंकि अपने पास और रैप्टर्स होंगे एंड हम लोग इनको ब्रीड वगैरह करेंगे। सो अभी यार मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाइट वगैरह कलेक्ट करने आया हूँ क्योंकि मुझे जो है ना अपना आर्मर रिपेयर करना है, बट आर्मर रिपेयर करने के लिए मेरे को फाइबर भी चाहिए होगा। तो मैंने डिसाइड करा जितने भी अपने मॉस जॉब्स हैं जो अपने फार्मर हैं फार्म कर रहे हैं उनसे जो है ना हम लोग थोड़ा थोड़ा सामान वगैरह ले लेते हैं। ओके यार, फटाक से जो है ना मैं अपने हाइट के आर्मर रिपेयर करता हूँ एंड जैसे अपने आर्मर रिपेयर होंगे फिर हम लोग चलने वाले हैं रैप्टर को ढूंढने के लिए। भाई मज़ा काफ़ी ज़्यादा आएगा रैप्टर्स को पकड़ने में, ठीक है। मेरा प्लान है, हम लोग जब कार्नो आइसलैंड गए थे वहाँ पे अपने को काफ़ी हाई लेवल के रैप्टर्स मिले थे, आज भी हम लोग जाएंगे कार्नो आइसलैंड में। लेट्स सी देखते हैं अपने को वहाँ पे रैप्टर्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ओके, मैं अपने बेस में पहुँच चुका हूँ, तो अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, लगभग तैयारी तो पूरी है। एरोज भी मेरे ऑलरेडी बना के रखे हुए थे। फटाफट से अपने चलते हैं डॉल्फिन के पास, डॉल्फिन में बैठते हैं और यहाँ पे से हम लोग निकलते हैं फटाक से कार्नो आइसलैंड में, लेट्स गो। तो भाई मैं तो निकल गया कार्नो आइसलैंड में, देखते हैं अपने को वो मिलता है तो ठीक है। मैं पहुँच गया, बस मेरे को अभी यहाँ पे एक भी रैप्टर्स वगैरह तो नहीं दिखे। पिछले बारी तो हमको जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे भाई इतने रैप्टर्स, क्या ही बताऊँ। ओके गाइज, यहाँ पे मेरे को तीन चार रैप्टर्स दिखे। सबसे पहले तो मेरे को इनका लेवल चेकआउट करना है। ओके, ये रहा 25 लेवल का मेल, 35 लेवल का मेल, 75 लेवल का मेल, अरे भाई 10 लेवल की फीमेल है। इसे पकड़ के तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे करते हैं ना और ढूंढने का ट्राई करते हैं। बट मैं यहाँ पे पूरा घूमा था कार्नो आइसलैंड में एंड मुझे कहीं पे भी फीमेल रैप्टर मिले नहीं हाई लेवल के। तो मैं पहुँचा अपने घर, मैंने कहा अब जो है ना हम लोग अपना रैप्टर को लेके चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कहीं ना कहीं अपने को रैप्टर तो मिल ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ हिडन लेक के पास और यहाँ पे देखते हैं नीचे जाके, मे बी अपने को रैप्टर्स मिले। भाई ऊपर से जंप लगा दी भाई, यहाँ पे कैस्ट्रॉइड काफ़ी ज़्यादा है एंड कैस्ट्रॉइड का मेरे पास सैडल है, अगर हम कैस्ट्रॉइड पकड़ ले तो वो भी बढ़िया रहेगा, बट
रात भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है एंड मुझे लगता है मेरे को रात यहीं पे सरवाइव करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे करते हैं, इस बारी रात में यहाँ पे सरवाइव नहीं करूँगा, इस बारी रात में जो है ना यहाँ पे सरवाइव करने वाला हूँ। भाई ये ब्रोंडोसोरस 15 लेवल का है, तो ठीक है। तो यहाँ पे से मैं जा रहा था, इन मेरे को यहाँ पे एक ट्राइक दिखा 60 लेवल। ओके, तो ऐसे करते हैं गाइस, अपन लोग इस वाले ट्राइक को पकड़ेंगे, 60 लेवल का है। अगर हम लोग टेम कर लिए तो अराउंड 75 लेवल का तो हो ही जाएगा। तो सबसे पहले मैं बैग बनाता हूँ। एंड आज यार मेरे को एक काफ़ी गजब की चीज़ पता चली, मतलब अगर हम लोग रात को अगर किसी भी डायनोस को टेम करने जा रहे हैं तो आप लोग शाम को जाओ उसके सामने सो जाओ एंड मॉर्निंग में उसको अनकॉन्शियस करो एंड उसका जो फूड लेवल है ना वो पूरा का पूरा ख़त्म रहता है, मतलब ज़ीरो। तो अभी मैं यहाँ पे सोया एंड जैसे ही मैं उठूँगा ना मॉर्निंग, तो मेरा प्लान है, अरे यार अभी तो रात ही हो रहा है और मैं सो भी नहीं सकता, बस मेरे को 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा, गेम का जब तक उजाला होगा। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं एंड जैसे ही उजाला होता है ना फिर इसको अनकॉन्शियस करने का ट्राई करेंगे। हाँ ये यही है, लेट्स गो, बैठता हूँ मैं इसके ऊपर, अब वेट करते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो भाई फाइनली यहाँ पे मॉर्निंग हो गया एंड अपना ट्राइक यहाँ पे है एंड एक ट्राइक वो रहा जो कि लगभग 55 लेवल का है, उसको भी अपन लोग पकड़ सकते हैं। चलो जंप करके मैं यहाँ पे से यहाँ पे पहुँचता हूँ, मे बी इसके ऊपर ना पहुँच पाए, वो कूदना पड़ेगा नीचे। अरे यार गलती से नीचे गिर गया, दोबारा से ऊपर चढ़ता हूँ। चलो तो ट्राई करते हैं गाइज यहाँ पे फटाफट से, मैं दोबारा से पत्थर के ऊपर आया एंड यहाँ पे से उतर के अब इनको पकड़ अनकॉन्शियस करने का ट्राई करूँगा। मुझे लगता है डेफिनेटली ये यहाँ पे नहीं चढ़ पाएंगे एंड मैं इनको इजीली अनकॉन्शियस कर लूँगा। चलो फटाफट से मैं एरोज बनाता हूँ, है मेरे पास 28 के करीब एरोज एंड इतने में तो दोनों अनकॉन्शियस हो जाएंगे 101%। लेट्स गो, किधर गए वो रहा। अरे लगा, ओके लगा, आ रहा है मेरे को मारने के लिए। फटाक से जितने एरोज मैं यहाँ पे इसको मार सकता हूँ मारता हूँ, वैसे भी ऊपर तो चढ़ नहीं पाएगा, बढ़िया है, लेट्स गो। अरे भाई ऊपर आने के ट्राई कर रहा है बट नहीं आ पाएगा। FPP करता हूँ, इसको एरोज मारने में काफ़ी आसानी होगी अपने को। तो भाई फाइनली एक अनकॉन्शियस हो चुका है बट यहाँ पर दूसरा भी आ गया, तो दूसरे को भी पकड़ते हैं। भाई किधर भाग रहा है, रुक जा। ओ भाई रुक रुक, आ गया आ गया, वापस आ गया। चलो आई थिंक गाइस ये भी अनकॉन्शियस होने वाला है, अभी नहीं हुआ, एक एरोस खाएगा। ओके सो फाइनली यहाँ पे हमने दोनों ट्राइक्स को कर लिया है अनकॉन्शियस एंड अभी अपने को फटाफट से इनके लिए फूड वगैरह कलेक्ट करना है एंड इसको टेम करेंगे फिर। तो यहाँ पे गाइस मैंने इनका देखा, इनका हेल्थ वगैरह कम हो रहा है, मैंने कहा ऐसा क्यों, बट जब मैंने बाद में इनका फूड लेवल चेकआउट करा ना तो फूड लेवल एकदम ज़ीरो था, मैं समझ गया। अब किसी भी डायनो को पकड़ना है ना तो शाम के टाइम जाओ ढूंढो उसको अनकॉन्शियस, शाम को मत करो, सो जाओ एंड मॉर्निंग में सीधा अनकॉन्शियस कर दो। तो चलो गाइस फटाफट से मैं इसको जो है ना बेरीज वगैरह देता हूँ एंड हो जाएगा काफ़ी जल्दी। ठीक है, जितना बेरीज गाइस मैंने यहाँ पे इनको दिया फटाफट से इनके बैकपैक में रखते हैं एंड दूसरे वाले को भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बेरीज वगैरह दे दिया है, बस अभी मेरे को बस वेट करना है। चलो इसको भी दे देता हूँ, वैसे इसके लिए मेरे पास मिजो बेरीज नहीं है, पीली वाली बेरीज है एंड ब्लू वाली बेरीज हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा कम टाइम होता है बट ठीक है। अब मेरे को वेट करना है, बस काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली गाइज यहाँ पे एक ट्राइक तो अपना टेम हो चुका है बट अभी अपने को दूसरा ट्राइक का वेट करना है। ओके गाइज यहाँ पे अपना दूसरा ट्राइक भी टेम हो गया है, तो चलो यार थोड़ा सा मस्ती करके आते हैं इन ट्राइक के साथ। आपको फाइट किसकी देखनी है ये बताओ, रेक्स का या फिर ब्रोंडोसोरस का? तो चलो मेरी आर्मी रेडी हो, आज इस ब्रोंडोसोरस की हम लोग खात्मा कर देंगे। अटैक माय ट्राइक आर्मी, जा रही है भाई ट्राइक, देखो कैसे भागते हुए जाएगा उसको पेलने के लिए। चलो मैं भी एरोज मारता हूँ क्योंकि ये मार देगा अपने ट्राइक्स को, तो अपने ट्राइक्स को हमें थोड़ा सा हेल्प भी करना है। भाई मारता ही है मारता है,
ओ देखो ट्राइक कैसे मार रहे उसको। अरे मैंने, अरे यार मैंने वो एरोज यूज कर दिए, मैंने गलत एरोज यूज कर दिया, नहीं तो अब तक ये मर जाता। मैं बोलूँ ये मर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि मैंने 7 से 8 इसमें एरोज मारे फिर भी नहीं मरा। बाद में पता चला मैं ट्रैंकुलाइजर एरोज यूज कर रहा था। चलो फाइनली ये तो मरा, इसको मैं फटाफट से हार्वेस्ट करता हूँ एंड बैठते हैं अपने रैप्टर्स में और चलते हैं। सो जैसे हम लोग यहाँ पे से जा रहे थे एंड मैंने वहाँ पे देखा भाई रैक्स जो है ना ट्राइक से फाइट कर रहा है एंड मेरे को यहाँ पे एक ट्राइक दिखा। मैंने कहा इसका लेवल चेकआउट करता हूँ, फीमेल होगी तो हम लोग पकड़ के जो है ना इसको लेके जाएंगे। 15 लेवल की फीमेल थी बट यहाँ पे इसको 55 लेवल के रैक्स ने बजा दिया। मैंने कहा भाई 55 लेवल का रैक्स, पहले तो मैं डर गया था, मैंने कहा नहीं अपन लोग फाइट नहीं ले पाएगा। बाद में मेरा प्लान किया चलो चलते हैं ट्राई करते हैं अपने रैक से, अपने ट्राइक इसको मार ही देंगे, क्योंकि दो है, एक रैप्टर है और एक मैं हूँ, लगभग 5 लोग हैं। जब इस रैक्स को हम लोग मारेंगे तो डेफिनेटली मरेगा भाई। अपना रैप्टर भी गया, सबसे पहले अपना रैप्टर जा रहा है, मुझे डर है कहीं मेरा रैप्टर ना बच जाए। चलो ठीक है चलते और ट्राइक, अभी जाओ ना फटाफट से यार। ओरे ओरे भाई, अरे भाई मेरे तरफ आ रहा देखो, ठीक है चल बेटे निकल यहाँ पे से बाहर। मेरे अबे दूसरे, ओ दोनों दोनों उधर ही हैं, मैं सोच रहा था दोनों नहीं हैं भाई। काफ़ी जल्दी मर गया, मतलब काफ़ी जल्दी भाई, धिक्कार है इस रैक्स में, इतने जल्दी मरा जितना जल्दी मैंने सोचा भी नहीं था। फिर क्या था यार, मैं फटाफट से अपने रैप्टर्स में बैठा, मैंने कहा भाई इन ट्राइक को जो है ना हम लोग लेके चलते अपने घर में, फिर जो है ना हम लोग जाएंगे किसी और जगह ढूंढने के लिए। अभी मेरे को फीमेल चाहिए, देखता हूँ फीमेल मिलती है या नहीं मिलती आज। चलो गाइज सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं इनको बेस में, ठीक है। अबे आ जा भाई, आ गए अब फंस जा रहे हैं बीच बीच में। चलो ठीक है अब निकलते हैं हम लोग। ओके लेट्स गो गाइज, फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर एंड मुझे यहाँ पे ये देखा भाई आगे एक रैप्टर है, फीमेल रैप्टर भी तो मज़ा आएगा। अरे यार मेल 75 लेवल का, क्या करें ट्राइक आर्मी करना है अटैक इसमें। भाई मेरी ट्राइक आर्मी ने बोल दिया हाँ भाई चलो करते हैं, तो चलो चलते हैं फिर गाइस मज़ा आएगा अटैक। सबसे पहले अपना ट्राइक जाएगा देखो, बट ट्राइक से ज़्यादा फास्ट अपना रैप्टर है ना, वो छोड़ेगा नहीं। लेट्स गो, इसको दबोचता हूँ मैं, चल बैठे निकल। कार्बन भी इसको मारता है और मेरा ट्राइक जो है ना कार्बन भी इसको मारेगा, मुझे पता था। लेट्स गो, तो चलो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड मन करे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो बाय बाय।